राहुल गांधी इत्थे जिथे मर्जी जान, पहले तो उन्होंने मैं पूछांगी जिहड़े उन्होंने दादी जी ने साडे टैंका धोपा दे नाल अमृतसर साहब च हमले किए सीगे उहदे बारे वो की कहिंदे ने। राजस्थान नूं साडा पानी खो के रिपेरियन सिद्धांत, जिस सूबे तो पानी वगदा है सब तो पहला हक सिर्फ उन्हां दा हुंदा है। कल्ले दुनिया च एक सूबा पंजाब जिथे साडा हक खो के राहुल गांधी जी की दादी ने चक के साडा पानी राजस्थान नूं दे 5 लाख की ग्रांट मैं देके जा रही हूँ। जिहड़ी ये लाइब्रेरी इत्थे बना रहे ने जिहदे विच पूरे पंजाब का साडा इतिहास, साडी विरासत, उहनूं सारा ऑनलाइन किया जाऊगा। इहनूं बेनती है कि राजस्थान से छुट्टियां मनाना बंद कर, विदेशों से जाके शराब पीना बंद कर, तो इत्थे दे कानून अवस्था नूं, हालात नूं सुधार करो। इंडस्ट्री चक चक के बाहर भजी जा रही है। फौजा सिंह सरारी की ऑडियो तो 3 महीने पहले जग जाहिर हो गई सी, ये 3 महीने सुत्ता पिया सीगा। अकाली दल केड़ा कोई इन्हां दे मगर मगर भज रहा है? पुछ कौन रहा वास्ते इन्हां तों। सत श्री अकाल, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करता। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वख-वख मुद्दों के उत्ते अपना प्रतिक्रम दिता है। खास तौर के उत्ते उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लैके निशाना साधिया है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, तो नाल ही राहुल गांधी के उत्ते भी तंज कसे ने। तो दूजे पासे उन्होंने सूबे दे विच जिहो जी कारगुजारी सरकार की चल रही है उसनों लैके भी काफ़ी निशाने साधे ने, तो सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के उत्ते भी तंज कसे ने। शुरुआत कर रहे हैं लोहड़ी मनाउन वास्ते, कुछ ही दिनों से शुभ दिहाड़ा जिथे बुराइया के उत्ते चंगाइया की जित होंगी है, तो बहुत ही धूमधाम के नाल हरेक घर च मनाया जाता है। अज मैं शुकराना करती हाँ इस संस्था का जिथे चमकौर जी ने, खालसा जी ने इन्हों की यह विरासती संस्था इस स्थान से जयपालगढ़ से जिथे मेला हर साल लगता है, कुछ ही दिन पहले लग्या भी सीगा विरासत नूं सांभण वास्ते। अज इत्थे लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो 5 लाख की ग्रांट मैं देके जा रही हूँ। जिहड़ी ये लाइब्रेरी इत्थे बना रहे ने जिहदे विच पूरे पंजाब का साडा इतिहास, साडी विरासत, उहनूं सारा ऑनलाइन किया जाऊगा। सो उहदे वास्ते इन्हां नूं मैं मुबारकां भी देंदी हाँ, बधाइयां भी देंदी हाँ, तो समूह संगतां नूं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनावां। आही बेनती करदी हाँ कि लोहड़ी जिथे बुराई दे उत्ते चंगाई की जित होंदी है, तो जरूर पुत्तां दे नाल धीआं दी लोहड़ी भी मनाई जाए। चंगाई तो ता ही है जे पुत दे ती दे विच असीं कोई फर्क ना करके दोनों दी आत्मन च बराबर दी खुशी मनावांगे। सो मेरी यह बेनती समूह संगतां नूं हैगीआं कि जिथे भी किसी धी का विआह होया है, किसी धी का जन्म होया है, परिवार च, गली च, मोहल्ले च, पिंड च, उत्थे जाके उस धी की आन की खुशी च लोहड़ी जरूर मनाओ, क्योंकि धीआं दे बिना परिवार की खुशियां अधूरिया हन। ते आही धीआं कल दी मावां हैगीआं, ते मां दे बिना परिवार अधूरा है, इंसान की होंद नहीं है, ते औरतां दे बिना समाज अधूरा है। जे इन्हां औरतां नूं, बच्चियां नूं, धीआं नूं असीं सत्कारांगे, उन्नी ही समाज की तरक्की होगी, उन्ना ही साडा समाज सुरक्षित रहेगा। ते हरेक दी विरासत नूं सांभण वास्ते पहले असी अपने घर दी धीआं बेटियां नूं सांभीए, ते बराबर दे मौके देईए, पुत्तां वांग उन्हां नूं प्यार करीए। बी भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करदे आ आने वाले दिनां च, की लगदा है? राहुल गांधी इत्थे जिथे मर्जी जान, पहले तो उन्हां नूं मैं पुछांगी जिहड़े उन्हां दे दादी जी ने साडे टैंका धोपा दे नाल अमृतसर साहब च हमले किए सीगे उहदे बारे वो की कहिंदे ने। उहदे बाद उन्हां दे पिता जी ने जिहड़े सिखां दे कतलेआम किए ने, उहदे बाद राहुल गांधी दी की कही कहना हैगा। ते उहदे बाद मैं आ भी पुछांगी कि अज बहुत वड्डा मुद्दा जिहड़ा SYL साडा पानी खोण दा सारा ये सिस्टम चल रहा, तो राजस्थान नूं साडा पानी खो के रिपेरियन सिद्धांत, जिस सूबे तो पानी वगदा है सब तो पहला हक सिर्फ उन्हां दा हुंदा है। कल्ले दुनिया च एक सूबा पंजाब जिथे साडा हक खो के राहुल गांधी जी दी दादी ने चक के साडा पानी राजस्थान नूं देता, उहदे बाद हुण ये गहलोत ते ये हुड्डा ते बाकी आ सारी सरकारां भाजपा ये सारा रल मिल के हुण SYL दी देन भी इंदिरा गांधी दी सीगी, जिन्हें दबाव पा के SYL दी नहर बने। बादल साहब ने तो चक के नहरां दी जमीन भी वापस देती सी किसानां नूं कि ना कदे नहर बनूगी ते ना ही असीं टुप्पा पानी जान दवांगे। ते हुण भगवंत मान, आम आदमी पार्टी, ये सारे पंजाब दे हक, हरेक हक नूं कमजोर, भावें चंडीगढ़ दा हक होए, भावें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड च अपना बंद होए, भावें अद्धा पंजाब BSF दे हवाले करना होए, या फिर SYL जे बार बार जाके कदे केंद्र मंत्री जिहड़ा राजस्थान तो हैगा उहने इंसाफ पंजाब नूं देना हैगा, कदे केंद्र मंत्री नाल मीटिंग करदा, कदे खट्टर साहब दे नाल करदा, कदे किसे दे नाल करदा मीटिंग करे, तुहाडी प्यो जायदाद दी जमीन च जे आंढी गवांढी कहन कि सानू भी हिस्सा दे दो, तुसीं उहनां दे नाल मीटिंग करोगे कि डांगां नाल भजा दोगे?
इन्हां नूं तां सत श्री अकाल बुला के जिवें बादल साहब ने कहा ना कोई मीटिंग करनी है ना तुहानूं एक इंच जमीन देनी है ना इसवाइल बनूगा ना टुपका पानी दा जाऊगा तां मीटिंगां की करदा फिरदा हैगा। सो हर पक्षों पंजाब नूं कमजोर किया जा रहा है। इहनूं बेनती है कि राजस्थान ते छुट्टियां मनाना बंद कर, विदेशां च जाके शराब पीना बंद कर, ते इत्थे दे कानून अवस्था नूं हालात नूं सुधार करो। इंडस्ट्री चक चक के बाहर भज्जी जा रही है। एक समय च जिते यूपी बिहार दे बंदे आके पंजाब च काम करदे सी, हुण पंजाब दी पुरानी इंडस्ट्री चक चक के यूपी जा रही है, कोई जम्मू कश्मीर जा रही है। तू पंजाब नूं सांभो, लोकां दे घरां ते नशा पहुंचे होए आ। जिहड़ी कट्टर ईमानदार सरकार कहिंदी सी, अज इहनां दी ईमानदारी दा सबूत देख लो। कदे एक मंत्री नूं कढ़ता, कदे दूजे नूं कढ़ता भ्रिष्टाचार करके, लेकिन परचा किहदे उत्ते दर्ज किया है, जेल किहनूं कीती है, वह उई तुरे फिरदे ने। यह ड्रामेबाजी नहीं चलूगी। ये थोड़े चुटकले जे तोतले जे चलते सी जब फिल्मां च एक्ट करते सी, हुण थोड़े उत्ते वड्डी जिम्मेवारी। उन्होंने जिम्मेवारियां नूं सांभो, गरीबां दे आके हालात देखो, किसानां दे हालात देखो, बेचारे मुलाजमां दे हालात देखो। सारे जने सड़कां ते उतरे होए ने, ते पंजाब दे हालात बहुत ही चिंता वाले हैगे। नौजवान छड़ छड़ बाहर जाई जा रहे ने, विदेशां वल भज रहे। सब तो बाद मेरे हल्के बठिंडे तो जा रहे ने कि इत्थे दे MLA, इत्थे दी सरकार, इत्थे दा मुख्यमंत्री इन्ना सिरी बन गया केजरीवाल दा कि पंजाब नूं नहीं सांभ सकदा। जे नहीं सांभ सकदा तां जिन्हें एक मौका मंगया सी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਗੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਮ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।